दोस्तों पुलवामा अटैक के बाद सभी भारतीयों की नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है पाकिस्तान को लेकर कि अब कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। और ऐसे में अब बात आ चुकी है क्रिकेट को लेकर कि क्रिकेट मैचेस भी पाकिस्तान की टीम के साथ रद्द किए जाएं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, द्विपक्षीय सीरीज जो खेली जाती थी भारत और पाकिस्तान के बीच में वो तो पहले से ही बंद थी, पिछले 10 सालों से कोई भी सीरीज नहीं खेली गई है। तो वहीं जो भी भारत पाकिस्तान के बीच में मैचेस खेले जाते थे, कराए जाते थे, ये होते थे मात्र आईसीसी की ट्रॉफीज की लीग मैचेस में या फिर कह लें नॉकआउट मैचेस में, लेकिन अब इनका भी होना बेहद मुश्किल हो रहा है। आपको बता दें आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 का जो शेड्यूल है यहाँ पर भारत पाकिस्तान का मैच रखा गया है 16 जून को, लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि ये मैच बिल्कुल रद्द हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि भारतीय टीम नहीं चाहती है कि पाकिस्तान के साथ मैच हो। अब मात्र दो कंडीशन में मैच नहीं होगा। पहली कंडीशन यह होगी कि भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेगी, जहां पर आईसीसी 2 पॉइंट्स पाकिस्तान की टीम को ऐसे ही दे देंगे, या फिर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप की लिस्ट से ही अपना नाम वापस लेना होगा, जो कि बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये रोड़ा अटका हुआ है कि भारतीय टीम वर्ल्ड कप 2019 का हिस्सा हो पाएगी या नहीं। लेकिन दोस्तों आपकी क्या ओपिनियन है, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन है इसका? क्या भारतीय टीम को वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए या पाकिस्तान की टीम को वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी ओपिनियन हमें जरूर दें। और इसी सिलसिले को लेकर आईसीसी की मीटिंग रखी गई है 27 फरवरी को, जिसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आपको सबसे पहले आर्स एंटरटेनमेंट की ओर से मिलने वाली है, जो कि बिल्कुल श्योर्ड है। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आपको वो रिपोर्ट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।